नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपसे बात करने वाले हैं वैष्णो देवी की यात्रा के बारे में कि वैष्णो देवी की यात्रा आप कब करें और क्या होगा आपका टूर प्लान और कितना खर्चा आएगा आपको वैष्णो देवी यात्रा में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे ऐसे ही वीडियोस मिलते रहे। तो वीडियो को अंत तक देखें कि सबसे कम खर्च में आप वैष्णो देवी यात्रा कैसे कर सकते हैं, इसकी जानकारी आपको पूरा वीडियो देखने के बाद ही मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो से पहले बात कर लेते हैं वैष्णो देवी मंदिर के बारे में। तो वैष्णो देवी का मंदिर जो कि जम्मू कश्मीर राज्य के रियासी जिले में पड़ता है, जो कि कटरा नामक स्थान पर पड़ता है। तो कटरा से आपको करीब 12 से 14 किलोमीटर ट्रैकिंग करने के बाद ही वैष्णो देवी माता के दर्शन होते हैं। फिर आपको ऊपर 2 किलोमीटर जाके भैरव बाबा के भी दर्शन करने होते हैं। कहते हैं कि अगर आप वैष्णो देवी जाते हैं, अगर वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद आप भैरव बाबा के दर्शन नहीं करते हैं तो फिर आपकी यात्रा सफल नहीं मानी जाती। तो आप जब भी वैष्णो देवी जाएं तो वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद आप भैरव बाबा के दर्शन, सबसे पहले आपको करना ये कि वहीं पे माता वैष्णो देवी साइन बोर्ड द्वारा एक पर्ची काटी जाती है, जिस पर्ची के थ्रू ही आप वैष्णो देवी के दर्शन कर सकते हैं। क्योंकि आगे बाणगंगा चेक पोस्ट पर अगर आप पर्ची लेके नहीं जाते हैं तो उस पर्ची के बिना आपको आगे नहीं जाना। बात कर लेते हैं कि वैष्णो देवी कैसे पहुँचे। तो वैष्णो देवी पहुँचने के लिए आप तीन तरह से जा सकते हैं। एक बस द्वारा, दिल्ली से सीधे बस चलती है वैष्णो देवी के लिए, और दूसरा आप ट्रेन से, और तीसरा फ्लाइट से। जम्मू में एयरपोर्ट भी है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्रेन से कैसे पहुँचे। तो ट्रेन से पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले पहुंचना होता है जम्मू तवी स्टेशन। तो जो को जम्मू तवी स्टेशन है वो देश के सभी मुख्य रेलवे स्टेशन से सीधे ट्रेन चलती है जम्मू तवी के लिए। इसके अलावा आप कुछ मुख्य स्टेशनों से सीधे कटरा के लिए भी ट्रेन चलने लगी है। तो अगर आपके शहर से कटरा के लिए ट्रेन नहीं है तो आप सबसे पहले जम्मू तवी जाना हो, उसके बाद आप बस के थ्रू कटरा जा सकते हैं। तो कटरा जाने का चार्ज जो होता है 50 से 60 रुपये बस वाला लेता है और आपको कटरा ड्रॉप कर देता है। इसके अलावा आप जम्मू तवी से कटरा के लिए लोकल ट्रेन भी चलती है तो उससे भी आप जा सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो जम्मू एयरपोर्ट भी है, पहुंच सकते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि सबसे कम खर्च में आप कैसे पहुंचे, तो हम जो आपको आइडिया देंगे तो वो ट्रेन के थ्रू ही आ पाएं और तभी बेटर है, आपको कम खर्चे में आप यात्रा कर सकते हैं। तो हम बात कर लेते हैं कि कटरा पहुंचने के बाद सबसे पहले हमको रूम लेना है। तो जो कटरा बस स्टॉप पे आप पहुंचेंगे तो वहां से ही आपको रूम की अवेलेबिलिटी शुरू हो जाएगी। तो आप जो रूम सर्च करें वो 300 से 400 रुपए में आपको रूम मिल जाएगा। काफी आसानी से 300 से 400 में रूम मिल जाता है कटरा में, क्योंकि वहां पर सिर्फ हमको एक रात गुजारनी होती है या फिर कह सकते हैं हमको फिर सोना होगा। नहाने धुलने के बाद हम चढ़ाई चढ़ना शुरू कर देते हैं अगर आप पैदल यात्रा करना चाहते हैं तो। अगर आप रेस्ट करना चाहते हैं तो आप कुछ देर रेस्ट कर सकते हैं, फिर नाइट स्टे करके भी आप मॉर्निंग में चढ़ाई चढ़ सकते हैं। लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि आप अगर शाम तक पहुंच जाते हैं तो 2 घंटे रेस्ट करने के बाद आप रात में ही चढ़ाई चढ़ें तो काफ़ी आसानी होगी आपको। रात में चढ़ाई चढ़ने में, ट्रैकिंग करने में काफ़ी आसानी होती है रात में। अब हम बात कर लेते हैं कि वैष्णो देवी जाने के लिए कम से कम कितने दिन का प्लान हमें बनाना होगा। तो वैष्णो देवी जाने के लिए आप अगर रास्ते का सफ़र छोड़ दें तो सिर्फ 2 दिन में ही आप वैष्णो देवी के दर्शन कर सकते हैं। एक दिन आप कटरा पहुँच जाएंगे, एक और उसी दिन आप चढ़ाई चढ़ेंगे और दर्शन करने के बाद दूसरे दिन आप वापस आ जाएंगे। तो 2 दिन के लिए आपको वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए सफिशिएंट टाइम है। 2 दिन में आप आराम से लेते हैं कि क्या होगा आपका रूम का खर्चा। तो वैष्णो देवी में आपका रूम का जो खर्चा आने वाला है, अगर आप डोरमेट्री बुक कर लेते हैं वैष्णो देवी ट्रस्ट के थ्रू ही, तो आपका 100 रुपए में एक बेड का, एक नाइट का डोरमेट्री बेड बुक हो जाता है। और अगर आपको नहीं मिल पाता है, फुल होता है, तो आप इसके अलावा भी 250 से 300 रुपए में रूम आपको अवेलेबल मिल जाता है। चीप रूम जो अवेलेबल है वैष्णो देवी में, कह सकते हैं 300 से 400 रुपए में काफ़ी आसानी से आपको रूम मिल जाते हैं, क्योंकि हमको सिर्फ एक नाइट स्टे करने होता है और कुछ हमको खास करना नहीं होता है। तो आप 300 से 400 रुपए का ही रूम लें, इससे ज़्यादा का रूम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कि खाने पे क्या खर्चा आने वाला है आपका। तो जो खाने पे हमारा खर्चा आने वाला है वैष्णो देवी में, तो वैष्णो देवी जो खाना मिलता है शुद्ध शाकाहारी भोजन ही आपको उपलब्ध होता है हर जगह पे। तो जो खाना है वहाँ का वो 60 रुपए से लेके 100 रुपए के बीच में आपको थाल मिल जाती है। जो थाल में लोग खाना देते हैं, दाल चावल, चार रोटी, अचार, सलाद, ये आपको 100 रुपए में आसानी से खाने को मिल जाएगा। 60 से 100 में आपका खाना हो जाएगा। और जो सुबह का नाश्ता करना होगा वो आपको 20-25 रुपए का आलू का पराठा दे देते हैं, या फिर आप कुछ और भी खा सकते हैं। तो 50 रुपए का सुबह का नाश्ता हो जाएगा। तो सुबह से शाम तक का जो आपका खाना होता है वो 250-300 रुपए में आपका खाना हो जाएगा। और जो आपका रूम की कॉस्ट होती है वो 250-300 रुपए होती है अगर आपको डोरमेट्री अवेलेबल नहीं होती। तो कह सकते हैं एक दिन का जो खर्चा आपका आएगा वो 600 रुपए आएगा। तो हम बात कर लेते हैं ट्रैकिंग में क्या खर्चा आने वाला है। तो हमारे ट्रैकिंग में कोई खर्चा नहीं आने वाला। अगर आप पैदल ही ट्रैक करके दर्शन करने जा रहे हैं तो
तो आपको कोई खर्चा नहीं आने वाला है। अगर आप नहीं जा सकते तो उसके अलावा आप खच्चर के थ्रू भी जा सकते हैं, तो जो खच्चर का 800-900 रुपये रेंट है वो आपको पे करना पड़ेगा, वो आपको एक्स्ट्रा हो जाएगा। अगर आप कम बजट में वैष्णो देवी की यात्रा करना चाहते हैं तो आप पैदल ही यात्रा करिए और काफी आसानी से आप टहलते टहलते पहुंच जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि मुख्यतः कौन कौन से दर्शन करने के स्थान है। तो सबसे पहले हमको चरण पादुका के दर्शन होंगे, चरण पादुका के बाद हमको आदि कुमारी के दर्शन होंगे, उसके बाद वैष्णो देवी के, फिर भैरव बाबा के। तो जो वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद अगर आप चाहें तो रोपवे के थ्रू भी भैरव बाबा जा सकते हैं। रोपवे का जो चार्ज लिया जाता है उसे 100 रुपये, तो रोपवे सुविधा भी चालू हो गई तो आप रोपवे के थ्रू भी भैरव बाबा के दर्शन कर सकते हैं और काफ़ी आसानी से आप दर्शन हो जाएंगे। पर वो जो भी वैष्णो देवी से भैरव बाबा की चढ़ाई वो काफ़ी कठिन है और आप फिर भैरव बाबा पहुँचने के बाद आप दूसरे रूट से नीचे आ सकते हैं। इसके अलावा अब एक नया रूट भी वैष्णो देवी का चालू हो गया, ताराकोट रोड, जो कि बाणगंगा चेकपोस्ट से थोड़ा सा आगे जाने के बाद ही दूसरा रूट है। लेकिन ये रूट जो चालू है ना, कहते हैं कि ये 2 किलोमीटर ज़्यादा आपको पैदल चलना पड़ता है, इसलिए अभी भी अधिकतम तीर्थयात्री जो हैं वो पहले रूट से ही यात्रा करना प्रेफर कर रहे हैं। बाकी आप अगर चाहते हैं काफ़ी आसानी से यात्रा करना तो आप ताराकोट रूट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इस रूट पर क्या कर लेते हैं टोटल खर्च। तो अगर आपको डोरमेट्री मिल जाती है रूम की तो 100 रुपये में आपको डोरमेट्री अवेलेबल हो जाती है। डोरमेट्री का खर्चा हो गया आपका 100 रुपये और खाने का खर्चा हो गया 300 रुपये। अगर आप 2 दिन रुकते हैं तो 2 दिन का डोरमेट्री का खर्चा हो गया आपका 200 रुपये और 2 दिन का खाने का खर्चा हो गया 600 रुपये। तो 800 रुपये में आपको वैष्णो देवी के दर्शन काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। अगर इसके अलावा आपको डोरमेट्री अवेलेबल नहीं होती है तो आपका जो रूम खर्च होने वाला है वो 300 से 600 रुपये होने वाला है। अगर आप 2 नाइट स्टे करते हैं, अगर आप एक नाइट स्टे करने के बाद चढ़ाई चढ़ते हैं और दूसरी नाइट में नीचे आते हैं तो फिर आपको 2 नाइट के लिए रूम लेने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी लॉकर रूम में अपना सारा सामान रख के भी आप चढ़ाई कर सकते हैं। बाकी ट्रैकिंग करते समय आपको रास्ते में ही वैष्णो देवी ट्रस्ट के द्वारा संचालित कई सारे छोटे छोटे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, जिसमें कि आपको चाय, बिस्किट, नमकीन, मैगी काफ़ी कम दामों में अवेलेबल है। 40 रुपये में आपको राजमा चावल मिल जाता है, 40 रुपये में आपको कढ़ी चावल मिल जाता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो कैसा लगा आपको आज का ये हमारा वीडियो कमेंट सेक्शन में बताएं जरूर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीडियोज ऐसे ही मिलते रहें। धन्यवाद। जय माता की।